नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। फाइनली दोस्तों, बिहार में विकास मित्र के पदों पर एक नई बहाली आ चुकी है, जिसको लेकर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है और लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है। तो इस वीडियो में बताएंगे कब से कब तक इसका आवेदन प्रक्रिया होगा और आप सबको बता दे जानकारी के लिए इसको लेकर जो भी योग्यता रखा जाता है, पांचवी आठवीं या मैट्रिक पास ही रखा जाता है, तो अगर मैट्रिक या इंटर भी पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहें तो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, कौन कौन जिले में भर्ती निकल आई है और लास्ट डेट क्या रखा गया है, आपको कितना सैलरी मिलेगा और कौन कौन से प्रखंड में भर्ती निकल के आई गई है। तो चलिए, इस भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी कर दिया गया है। तो चलिए, देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। दोस्तों, भर्ती से जुड़ी हर एक जानकारी समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बिहार का नंबर वन एजुकेशन वेबसाइट एंड www.biharhelp.in के वेबसाइट पर चले आएंगे। यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर देगा, यहाँ से लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन दिखलाई देगा, यानी कि बिहार के नहीं बल्कि ऑल इंडिया के जो भी लेटेस्ट जॉब आता है आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है और बिहार का भी देखने को मिल जाता है, यानी जॉब से रिलेटेड इस वाले कॉलम में आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पे देखेंगे तो जैसे चौथे नंबर में आपको दिखलाई देगा बिहार विकास मित्र वैकेंसी 2023, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं, हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डायरेक्ट इस वाले पोस्ट का लिंक दे रखा है, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़ेगी। अब यहाँ पे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग सारा जानकारी इसमें बताया गया। तो चलिए देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब बात किया गया तो सबसे पहले आपको समझना होगा इसको लेकर लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट 31/10/2023 तक रखा गया, यानी 31 अक्टूबर 2023 तक इसका लास्ट डेट रखा गया आवेदन करने का। ये हो गया कन्फर्म, यानी किस जिले से भर्ती निकल कर आ रही है और आपको अपने जिले का कैसे देखना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं संबंधित प्रखंड एवं नगर निकाय में आवेदन प्राप्त करने का अंतिम तिथि 31/10 तक है और जो भी इसका मेगा सूची तैयार करने का, प्रकाशित करने का जो मेगा सूची इसका आएगा 3/11/2023 को आएगा, यानी 3 नवंबर 2023 को आएगा। जो भी मेरिट लिस्ट आप बोल सकते हैं वो 3 नवंबर को आएगा, डेट से रिलेटेड इसमें जानकारी दिया गया तो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो भी आवेदक आवेदिका का जो कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है, यानी आप सबको पता होगा कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कौन से जिले में भर्ती निकल कर आ रही है और कहाँ पे आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको बता दें इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होता है, आप सबको पता होगा अगर आप विकास मित्र के पद पर जानते होंगे तो इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होता है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरकर अपने देख सकते ब्लॉक प्रखंड नगर निगम या नगर परिषद पंचायत के आपके द्वारा फॉर्म भरकर आपको कहाँ पे जमा करना है इसमें बताया गया, जैसे आवेदन फॉर्म जाने वाले ब्लॉक प्रखंड जमा करना होगा, ठीक है, कि नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत में जमा करना होगा, इसको लेकर आपको रसीद भी मिलता है इसमें जानकारी देगा। चलिए, हम आपको जो भी इसको लेकर नोटिफिकेशन है उसके बारे में बता देते हैं। तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरह के साथ जारी हो जाएगा। चलिए, हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखला देते हैं कि क्या क्या इसमें जानकारी देगा। सबसे पहले हम आपको दोस्तों आपके मन में से जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देते हैं। जो भी भर्ती निकल कर रही है बिहार सरकार संग्रहालय गया, यानी गया जिले से भर्ती निकल कर रही है। अब वीडियो में तक बने रहेगा, आपको अपने जिले का कैसे चेक करना है कि आपके जिले में भर्ती कहाँ से आई है, कौन से प्रखंड में आई है, क्या क्या पद रहने वाला है, महिला और पुरुष का रहने वाला है, वो भी चेक करने के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो गया जिले से भर्ती निकल कर रही है शॉर्टकट तरीके से हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे आई है। आप समझ लीजिएगा बिहार महादलित विकास बिहार पटना द्वारा बिहार सरकार के फ्लेक्सिप योजना में से एक योजना विकास मित्र का नियोजन करना है। महादलित समुदाय से ग्रामीण छात्र एवं शहरी छात्र में प्रत्येक वार्ड में एक विकास का चयन किया जाता है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समुदाय के परिवार को बीच बिहार सरकार की योजना के लाभ पहुंचाने में एक कड़ी के कार्य करता है। ठीक है, आपसे बताइएगा कि जो भी विकास मित्र का जो कार्य होता है, जो भी सरकार द्वारा नई नई योजना चलाया जाता है, जो भी कार्य चलाया जाता है, वो विकास अपने जो भी आप समुदाय में रहते हैं उस समुदाय में विकास के कार्य को पहुंचाना, अच्छी तरह से समझाना, लोगों के पास पहुंचाना कि हाँ हर एक लोगों को इसका लाभ मिल सके, विकास का काम वही होता है विकास मित्र का। और ये गया जिला का निम्न प्रखंड में विकास मित्र का नियोजन हेतु रिक्तियां निम्न प्रकार रखी गई है। तो समझ लेते हैं, सबसे पहले प्रखंड का नाम दिया गया और अनुमंडल का नाम और वार्ड पंचायत और जाति बहुलता और आरक्षण और अभियुक्ति दिया गया है। तो समझ लीजिएगा इसमें बताया गया प्रखंड का नाम, तो प्रखंड का नाम देखिए बोध गया है, ठीक है, यानी कि प्रखंड एक बोध गया पड़ता है जहाँ पे अनुमंडल का नाम है सदा और इसमें जो पंचायत आता है वार्ड आता है इटारी वसाड़ी कांडी, इसमें मतलब पंचायत है। और जाति बहुलता की बात करें भूइया 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 भूइया, यानी ये जाति का नाम है। और पहले बात करें इटारा का जो बात किया गया है पंचायत, उसमें महिला का आरक्षण दिया गया, यानी महिला है अगर आप मैट्रिक इंटर स्नातक पास है
या पांचवी पास है। अब जहाँ पे आवेदन करेंगे उसको निर्धारित होगा, लेकिन इसमें तो बोला गया है पांचवी या आठवीं या दसवीं पास है तो आप आवेदन कर सकती है महिला है। तो वही बात करते देख सकते हैं बांके बाजार में दिया गया प्रखंड का नाम, इसमें आता है पंचायत बिहार गाई और इसमें बहुलता दिया गया भूय ही जाति का दिया गया जो कि महिला है। इसमें अन्य भी दिया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे पहले शेर घाटी में दिया गया वार्ड नंबर 5 में 6 में दिया गया भूय जाति का ही जो कि अन्य है, आप अदर भी है तो आप इसमें लगकर आवेदन कर सकते हैं। और एक बात एक प्रखंड दिया गया टिकारी और टिकारी पंचायत में जिसे वार्ड नंबर 2 और 3 में चमार जाति का दिया गया जो कि महिला अगर है तो आप इसके लिए कर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिएगा कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन से प्रखंड में कौन अनुमंडल में और कौन पंचायत में कौन जाति दिया गया। जाति की बात करते भूया भूया ही दिया गया और जो भी टिकारी जो पड़ता है प्रखंड के नाम उसमें ही चमार जाति के एक महिला जाति के है महिला कैटेगरी का ही आवेदन करेंगे, ना तो बाकी सब भूया जाति के लिए दिया गया और महिला के लिए दिया गया। तो अब इसमें समझ लीजिएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हम डिस्प्ले पर आपको शो कर दे हैं, आप जहाँ से हैं आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं योग्यता का दिया गया, तो आवेदन का न्यूनतम सेंचुरी योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए। आपसे पहले ही हमने बता दिया कि जिसको जो भी योग्यता रखता है मैट्रिक पास है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदक का उम्र जो भी होगा 18 वर्ष मिनिमम यानी कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होगा होना चाहिए। और बात करते हैं अधिकतम 60 वर्ष से नीचे ही होगा तो चलेगा काम। ठीक है, तीसरा ने बताया कि आवेदन महादलित परिवार से होगा और पंचायत वार्ड समूह शहरी में जिस महादलित जाति का बोलता है उसी जाति का अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिस जाति का इसमें नाम मेंशन किया गया, जैसे मान लीजिए अगर आप शेरघाटी प्रखंड से आते हैं जिसमें पड़ता है शेरघाटी अनुमंडल का नाम और उसमें आ जाता है देख सकते मंडा, एक मंडा पंचायत है जिसे भूया जाति अगर आप अन्य है महिला है पुरुष है तो आप इसमें आवेदन करेंगे। अब ये नहीं कि आप आते हैं दूसरी जगह से आवेदन करेंगे तो आपको इसमें सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, जहाँ पे इसमें नाम देगा वहीं से अगर आते हैं जिस वार्ड से जिस पंचायत में वही लोग आवेदन करेंगे। ठीक, अब बात करें जिस पंचायत जिस वार्ड समूह से शहरी विकास में चयन किया जाना वही निवासी के आवेदन आपको देना पड़ेगा, निवासी से आवेदन ही प्राप्त किया जाएगा और चयन भी किया जाएगा वहीं पर। जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ये जानकारी होगा। अब बात करें तो कौन कौन सी तिथि को आपको क्या करना पड़ेगा, तो आवेदन प्राप्त करने का अंतिम तिथि 31/10/2023 तक रखने वाला है और जो भी मेगा सूची तैयार करने का प्रकाशन होगा 3/11/2023 तक रहने वाला है। यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप बोल सकते हैं कि कौन कौन से लोगों ने आवेदन किए हैं, कितना उनका मार्क्स है मैट्रिक में और कितना उनका परसेंटेज आ रहा है, क्योंकि परसेंट के आधार पर इसका जो भी है मेरिट लिस्ट निकलता है। आप समझ सकते हैं जिस तरह टोला सेवा का जो मेरिट लिस्ट निकलता है उसी तरह इसमें भी निकलता है। अगर जिसका ज्यादा नंबर होगा और जिस जाति से है जिस जहाँ पे भर्ती आई है वहीं पे अगर आवेदन किए हैं अगर उनका नंबर ज्यादा है तो उन लोगों का चयन किया जाएगा, हो सकता है। ठीक है, आप समझिएगा। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक जो होती है 6/11/2023 को होगी और जो भी चयन सूची के प्रकाशन के आपत्ति प्राप्त करने की तिथि होगी 10/11/2023 तक होगी। अगर आप मान लीजिए जो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया आपको लगता है कि हमारे किसी गलत वजह के कारण से हमारा नंबर कम कर दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अगर आप आपत्ति करना चाहते हैं तो लास्ट डेट रखा गया है 10/11/2023 तक, आप आपत्ति कर सकते हैं। और जो भी आपत्ति निराकरण करने की अंतिम तिथि है 11/11 तक, 10 तारीख से खुला जाएगा और एक ही दिन आपत्ति कर सकते हैं, 10 और 11 तारीख को 2 दिन इसमें दिया गया। और जो भी अंतिम रूप से चयन सूची हो जाए यानी फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी होगा 14/11/2023 तक कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इसका भर्ती का आप समझ सकते हैं किन किन को सिलेक्टेड किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट 14/11/2023 कर दिया गया। अब ये हो गया यानी कि गया जिले से अगर है आप यहाँ से आते हैं तो आप आवेदन कर लीजिएगा। अब आपको अपने जिले का कैसे देखना है, अपने जिला का देखने के लिए सबसे पहले आपको ये IPRD का ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल यानी पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से देख सकते ई एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ओके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते थोड़ा वेबसाइट स्लो काम करता है तो आपको यहाँ से कुछ देर इंतजार कर लीजिएगा। इस तरह का ऑप्शन आपको सामने खो जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, PR नंबर से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन से सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट टाइप आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डेट पब्लिकेशन से ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद कौन से डेट पे कौन से मतलब आपको लगता है कि भर्ती आई होगी तो आपको ये सब डेट सेलेक्ट करता है, आपको सर्च के ऑप्शन मान लीजिए हमको 5 तारीख को देखना है कि क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, आपको सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना तो पूरे बिहार का इसमें बता देगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे कौन सा नोटिफिकेशन आया है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे बात करते हैं जमुई जिले में एक भर्ती आई है जो कि यहाँ से देख रहा है नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट का ऑप्शन देख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से डाउनलोड करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से IPRD के जहाँ पे पूरे जिले का आपको अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अपने जिला का देखना चाहते हो आपको अपने जिला के मान लीजिएगा अगर आप सिवान जिले से हैं तो सिवान लिख दीजिएगा, उस पर डॉट देकर NIC लिख देना है। ठीक है, जैसे NIC लिखेंगे तो आपको जो भी अपने जिला का आप अपने जिला का लिखिए तौर पर बताया आपको अपने जिला का लिख देना है, उसके बाद देख सकते हो नोटिस ऑप्शन पर जाना है और रिक्वायरमेंट ऑप्शन पर जाना है। अगर आपके जिले में भर्ती आई होगी तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।